वलकुम और तुम्हारे लिए निस्फ आधा है। माँ तरह का जो छोड़ा अजवाजुकुम तुम्हारी बीवियों ने। अब आपको अजवाज के माना से पता चल रहा है कि वलकुम से मुराद शौहर हैं, यानी तुम्हारे लिए तुम शौहरों के लिए आधा है जो छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने। इल्लम अगर ना यकुन हो लहुन उनके लिए, यानी उन बीवियों के लिए, वलदुन कोई औलाद, अगर बच्चे नहीं हैं तो शौहर के लिए बीवी की प्रॉपर्टी में से आधा है। फ इनका ना फिर अगर है लहुन्ना उनके लिए वलदुन औलाद, अगर उन बीवियों की औलाद है फलकुम तो तुम्हारे लिए अरुबू चौथा हिस्सा है। कम हो गया, ज्यादा हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? विरसा बच्चों को भी तो जाना है। मिम्मा उसमें से जो तरक ना वो छोड़ जाए, मिम बाद वसीयत इन वसीयत के बाद, यू सुई ना बिहा वो औरतें वसीयत कर जाएं जिसकी। इससे पता चलता है कि औरत को भी हक है कि वो वसीयत कर जाए, उसका अपने माल में इख्तियार है। औ दैन या कर्ज की अदायगी के बाद, हो सकता है औरत के ऊपर भी कोई कर्जा हो। फिर वही बात याद कर लें कि तीन चीजों की अदायगी होगी। पहले तकफीन और तदफीन के अखराजात इसके माले विरासत में से अदा किए जाएंगे। कानून ये है, बिलफेल अगर कोई कर लेता है कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज कर्जा अदा होगा। तीसरे स्टेप पर उसकी की जाने वाली वसीयत अदा होगी। वलहुन्ना और उन औरतों के लिए, अब बीवियों के हिस्से की बात हो रही है कि शौहर फौत हो गया है तो उन औरतों के लिए अरुबू चौथा हिस्सा है। मिम्मा उसमें से जो तरक तुम छोड़ा तुमने। इल्लम अगर नहीं, यकुन है लकुम तुम्हारे लिए वलदुन कोई बच्चा। अब अगर शौहर की कोई औलाद नहीं, कोई बच्चे नहीं, तो बीवी को उसके माल से चौथा हिस्सा मिलेगा। फ इनकान लकुम फिर अगर है तुम्हारे लिए वलदुन औलाद, फलहुन तो उन औरतों के लिए, उन औरतों के लिए यानी एक बीवी है तो एक बीवी के लिए, और अगर दो बीवियां हैं तो दो के लिए। और मर्द कितनी शादियां कर सकता है? चार, चार बीवियां भी हो सकती हैं उसकी। एक बीवी है तो उसको अस्सुमुनु आठवां हिस्सा मिलेगा, और अगर एक से जायद बीवियां हैं तो उसी आठवें हिस्से में से वो सब बीवियों को बटेगा। ऐसा नहीं है हर बीवी को आठवां हिस्सा, नहीं। चार बीवियां हैं, तीन बीवियां हैं, दो बीवियां हैं, एक बीवी है, इन सब में आठवां हिस्सा ही जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मिम्मा उसमें से जो तरक तुम छोड़ा तुमने, मिम बादी वसीयत इन वसीयत के बाद, तो वसू नबीहा औ दैनिन तुम वसीयत कर जाओ जिसकी, या अदायगी कर्ज के बाद। वह इनका ना रजुलुन और अगर है एक शख्स, यूरसु जिसकी मीरास ली जाती है, कलालतन कलाला, अविम्रअतुन या कोई औरत है, या तो कोई कलाला मर्द है या कोई कलाला औरत है। सवाल ये पैदा होता है ये कलाला कौन होते हैं? कलाला वो होते हैं कि जिनके ना वालिदैन हों और ना कोई औलाद हो। मेन वारिसीन में से दो मिसिंग हैं, कौन? वालिदैन और बच्चे। हस्बैंड हो सकता है अगर औरत है कलाला तो, और अगर मर्द कलाला है तो हो सकता है उसकी बीवी हो, और ये भी हो सकता है कि औरत कलाला का शौहर भी ना हो और मर्द कलाला की बीवी भी ना हो। लेकिन बीवी हो सकती है अगर मर्द कलाला है तो, और अगर औरत का लाला है तो शौहर हो सकता है, लेकिन दो मेन वारिसीन मिसिंग है। दो मेन वारिस जो मिसिंग है वो कौन कौन है? वालिदैन और बच्चे। अगर ये वालिदैन और बच्चे नहीं, उसको कलाला कहा जाएगा। अब इनकी प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाएगा उसकी वजाहत की जा रही है। वह इनकाना रजुलुन
और अगर है एक शख्स यूरसु जिसकी मीरास ली जाती है, कलालतन कलाला, अविमरातुन या कोई औरत है, वलहू और उसके लिए अखुन एक भाई हो, और उख्तुन या एक बहन हो। अब यहाँ ठहर कर भाई बहनों को समझ लीजिए। तीन तरह के भाई बहन होते हैं, एक हकीकी सगे भाई बहन जिनकी माँ भी एक है और बाप भी एक है, अच्छे से जानते हैं आप उसको, ठीक है। इसको ऐनी भी कहते हैं, ऐनी, ऐन या नून छोटिया। आप सगे भाई बहन कह लें, हकीकी भाई बहन कह लें, या ऐनी भाई बहन कह लें, ये वो भाई बहन है जिनके माँ बाप एक हैं। दूसरे अल्लाती या इल्लाती, प्रोनाउंसिएशन दोनों तरह की आती है, आइन के नीचे जेर भी आती है और आइन के ऊपर जबर भी आती है। हम अल्लाती कहते हैं क्योंकि ये नॉन प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अल्लाती भाई बहन वो होते हैं कि जिनका बाप एक हो, माएँ अलग अलग हों। यानी एक शख्स ने दो तीन शादियां कर रखी, बाप एक हो और माएँ अलग अलग हो। हमारे यहाँ इनको सौतेले भाई बहन कहते हैं, ठीक है, स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अरबों के यहाँ एनी और अल्लाती भाई बहन एक ही कंसिडर किए जाते थे, सगे भाई बहन और एक बाप हो और दो तीन माएँ हों, तो उन बच्चों को आपस में एक ही कंसिडर किया जाता था, रुतबे में, हुकूक में, दर्जे में। वो कहते थे ये मेरा सौतेला भाई नहीं है, सगा भाई है, क्योंकि बाप एक ही था ना। इसीलिए इस लफ्ज़ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में इस्तेमाल किया है। बुखारी की रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु माशरुल अंबिया, हम अंबिया का ग्रो, बनु अल्लाती, बनु अल्लाती, हम अंबिया का जो ग्रो हैं वो अल्लाती भाई हैं, जिनका बाप तो एक है, यानी दीन तौहीद एक है, शरीयतें यानी माएँ फर्क हैं। तो अरबों के यहाँ ऐनी भाई, ऐनी भाई से मुराद कौन है, हकीकी या सगे भाई, और अल्लाती भाई बहन एक ही कंसिडर किए जाते थे, एक ही शुमार किए जाते थे, हुकूक के एतबार से, ठीक है, दर्जे के एतबार से, अख़वत के एतबार से। वो कहते थे हम सगे भाई बहनों की तरह हैं। एक तीसरे भाई बहन भी होते हैं जिनको कहते हैं अख़याफ़ी भाई बहन, अख़याफ़ी, माँ एक हो बाप फर्क हो। मसलन एक औरत की शादी हुई, उस शौहर से इसके दो बच्चे हुए, अब वो शौहर फौत हो गया या उससे उसकी तलाक हो गई, उसने अब उसी औरत ने दूसरी शादी की, उस शौहर से भी उसके बच्चे हुए, तो ये जो बच्चे हैं आपस में ये भाई बहन है, स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। लेकिन ये कौन से भाई बहन है, अख्याफी। अरबों के यहां ये सौतेले काउंट होते थे, ठीक है। अब यहां जो आप कलाला की विरासत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जिन भाई बहनों का यहां जिक्र किया है वो अख्याफी हैं। अख्याफी कौन, मां एक है बाप फर्क है, जो वाकई सौतेले भाई बहन कंसिडर होते थे, जिनको सौतेला भाई बहन कहा जाता था। एनी और अल्लाती को तो वो सगे भाई बहन ही कहते थे, वो कहते थे उसमें तो फर्क ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनको, जिनको ये सगों की तरह शुमार करते थे, उनके विरसे नहीं बताया, उन्होंने कहा ये तो अंडरस्टूड है, और वो क्या अंडरस्टूड होगा वो भी जिक्र करूंगी इंशाल्लाह। फिलवक्त यहां पर अख्याफी भाई बहनों के बारे में बताया जा रहा है, जिनकी माँ एक है लेकिन बाप फर्क है। अल्लाह ताला कहते हैं, व इन काना रजुलुन
और अगर है एक शख्स यू रसो जिसकी मीरास ली जाती है, कलालतन कलाला अविमरातुन, या कोई औरत है। मैंने आपको कलाला बता दिया कौन होते हैं जिनके ना वालिदैन हो और ना औलाद हो। शौहर हो सकता है अगर कलाला औरत हो तो, हो सकता है, और अगर कलाला मर्द हो तो बीवी हो सकती, हो सकती है, ठीक है, ओके, और नहीं भी हो सकती। अब ऐसे शख्स की प्रॉपर्टी बांटी जा रही है, वलहू उसके लिए अखुन एक भाई है, और उख्तुन या एक बहन है। वैसे भाई बहन डायरेक्ट वारिस नहीं है, वैसे भाई बहन डायरेक्ट वारिस नहीं है, लेकिन जब दो मेन वारिसी ना हो तो इनके लिए विरासत का गेट खुल जाता है। माँ बाप नहीं है, औलाद नहीं है, तो अब हवाशी की तरफ प्रॉपर्टी आएगी, भाई बहनों की तरफ प्रॉपर्टी आएगी। अब यहां पर भाई और बहन से मुराद अख्याफी भाई बहन है। अल्लाह ताला कहते हैं फलीकुल्ली, वास्ते हर एक के, मिनहुमा उन दोनों में से, असुदुसु छठा हिस्सा है। अब यहां भी आप देखें तो मर्द और औरत की तकसीम बराबर है, भाई और बहन दोनों को 1/6 मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा। फइनकानु, फिर अगर हो वो सब, अक्सर मिन जालिक, ज्यादा उससे, यानी अब एक भाई एक बहन नहीं है, मसलन दो भाई तीन बहनें हैं, दो भाई दो बहनें हैं, तीन भाई एक बहन है, मतलब अब तादाद बढ़ गई, तो अल्लाह ताला कहते हैं फहुम, तो वो शुरकाउ शरीक हैं, फिसलुस एक तहाई में। अब एक तहाई प्रॉपर्टी इन सारे बहन भाइयों में बराबर तकसीम कर दी जाएगी। मिम बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद। इससे क्या पता चलता है कि कलाला भी वसीयत कर सकता है। यूसा, वसीयत की जाती है बिहा उसकी, औदैनिन या कर्ज की अदायगी के बाद। गैर मुदार, ना नुकसान देने वाला हो, यानी किसी को भी नुकसान नहीं दिया जाएगा इस विरासत की तकसीम के दौरान, यानी जैसे जैसे अल्लाह ताला ने विरासत के अहकाम को उतारा है वैसे ही इसको बांटना है। वसीयत मिन अल्लाह, वसीयत है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह ताला जानने वाला है, बुर्दबार है। ये वसीयत मिन अल्लाह को भी अगर आप सर्कल कर लें, ये भी विरासत की तकसीम लाजमी है, उस पर दलील है। विरासत की तकसीम फर्ज है, उस पर दलील है। वसीयत मिन अल्लाह। अब आप देखें तो यूसीकुमुल्लाह शुरू में आपने पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा फरीदतम मिन अल्लाह, फिर अब आप पढ़ रहे हैं वसीयतम मिन अल्लाह। आपको विरासत की तकसीम फर्ज है, उस पर तीन दलीलें मिल गईं कुरान से। अल्लाह ताला फरमाते वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह जानने वाला है, बुर्दबार है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलका हुदूदुल्लाह, ये हुदूद है अल्लाह की। ये तिलका इसम इशारा है, और ये इशारा विरासत के कानून की तरफ जा रहा है कि विरासत के कानून को अल्लाह की हुदूद से इशारा किया गया है। तिलका हुदूदुल्लाह वमन युतिअल्लाह व रसूलह, और जो कोई अतात करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, युदखिलहु जन्नातिन, वो दाखिल करेगा उसको बागात में, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहल अनहारु उसके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा हमेशा रहने वाले हैं उसमें। अगर आप यहाँ पर खालिदीन को सर्कल कर लें, जमा का सीगा है, क्योंकि जन्नत में सारे मिलजुल कर रहेंगे, एक कंपनी होगी, एक इंजॉयमेंट होगी। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और यही कामयाबी है बड़ी। जिसने भी विरासत की तकसीम को सही से किया, अल्लाह उसको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा कि जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और वह वहाँ मिलजुल कर मज़े से रहेंगे। वमन यअसिल्लाह व रसूलह, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, ये सज़ा गलत तकसीम की सुनाई जा रही है। जो विरासत को तकसीम ही ना करे या गलत तकसीम करे। वमन यअसिल्लाह व रसूलह व यतअद्दा हुदूदहु, और तोड़ दे उसके हुदूद को, युदखिलहु नारा, दाखिल कर देगा उसको आग में, खालिदन फीहा
हमेशा रहने वाला है उसमें। खालिदन आप देखें वाहिद का सीगा है, यानी जन्नत में तो कंपनी होगी, इंजॉयमेंट होगी, सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन जहन्नुम में तन्हाई होगी। इंसान दो तरह से तन्हा होगा, ज़हनी तौर पर भी और सजा के एतबार से भी। एक तो सुतूनों में बंद कर दिए जाएंगे, जेलों में बंद होंगे, सुतूनों में बंद होंगे, और ज़हनी तौर पर भी तन्हा होंगे। वलहु अज़ाब मुहीन, और उसके लिए अजाब है रुस्वा कुन, जलील कर देने वाला, तौहीन आमेज अजाब दिया जाएगा उसको। यानी उसको फिजिकली और मेंटली, जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर टॉर्चर किया जाएगा। अज़ाब मुहीन में दो चीजें आती हैं, जिस्मानी टॉर्चर और जहनी टॉर्चर। मसलन इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी को मारा जा रहा है और उसको बरहना करके मारा जा रहा हो, अब वो जिस्मानी तकलीफ भी है उसके लिए और जहनी तकलीफ भी है। तो तौहीन आमेज अजाब इनको दिया जाएगा। वलहु अज़ाब मुहीन। इन आयात की तिलावत सुनते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आयात की वजाहत थी, तफसीर अभी बाकी है। तिलावत सुन ले पहले। يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب